हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका आईक्यू फ़ोन है तो आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग ऑप्शन है तो अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग ऑप्शंस को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सॉरी आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन ही आएंगे। सेटिंग्स पे जाते हैं तो क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो आपके फ़ोन में अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग ऑप्शन है तो उसको कैसे ऑन ऑफ करेंगे, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है। फिर आपको नोटिफिकेशन पर जाना है, फिर स्लाइड करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग को इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। ऑफ़ करते ही कोई भी नोटिफिकेशन स्नूजिंग ऑप्शन शो नहीं करेगा, और ऑन करते हैं तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी अलाउ नोटिफिकेशन ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही सेटिंग्स पे जाना है, और सेटिंग्स पे जाते ही देखते हैं आपके पास ऑप्शन आ जाएगा नोटिफिकेशन का, यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से ऑफ करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन है शो नहीं करेंगे, और ऑन करते हैं तो आपके फ़ोन में शो करेंगे। तो इस तरीके से अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं आईक्यू फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। और साथ में देख सकते हैं कि और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे हाइड एंड साइलेंट नोटिफिकेशन स्टेटस वार ऑप्शन जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, या बेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, सेंसिटिव नोटिफिकेशन को भी ऑन ऑफ करके आप यूज़ कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।